और वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम द पाकिस्तान रैप कम्युनिटी अली मार खे, भाई का भी गाना है उसमें, गाने का नाम है थैंक गॉड। क्या बात है भाई, भाई प्रोडिजी सुनने के बाद तो मैं भाई से ना ऐसा कॉन्शियस रैप भी एक्सपेक्ट करता हूँ। भाई ये पॉलिटिकल रैप तो कर ही दिए, बट ऐसा कॉन्शियस रैप भी एक्सपेक्ट करता हूँ। शायद भाई ने किया भी है या मैंने सुना नहीं, अगर किया है तो भाई प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि वो कौन सा गाना है, तो उसको मैं अलग से सुनेगा। तो देखते भाई अलीम भाई ने इस गाने पर क्या लाया। तो ज्यादा छोद करते रहे तुमने तो वीडियो। उमर ली मार खे, थैंक गॉड। यार ये कॉर्ड्स के साथ ना जब भी कोई एक ऐसा ऑडियो जोड़ देता ना इन लोग, तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो मीनिंगफुल आने वाला है, मतलब लिटरली कुछ तो बोलने वाले हैं। ये पता नहीं क्या जोड़ते हैं, इतना एक दबा के रखते, ठीक से सुना नहीं देता, बट ऐसा लगता है कि कुछ मीनिंगफुल चीज़ें आने वाली है। शायद R&B होने वाला है। मिस करती मुझे करता मिस मैनेज नहीं, अब सब कुछ ला कर देता करता विश मैनेज नहीं। यो भाई जो साइलेंस था ना पहले, जो साइलेंस थे ना, ये भाई मिस मुझे करता है या मिस मैनेज नहीं। अरे मैं डर गया एक टाइम के लिए, बट ऐसा हो गया भाई। ये क्या था भाई, अलीम भाई चेल, कोई आपको किधर से मिस मैनेज नहीं कर रहा है, चेल। मिस करती मुझे करता मिस मैनेज नहीं, सब कुछ ला कर देता करता विश मैनेज नहीं। कुछ साल पहले ख्वाहिश थी जेब पे भारी, अब मेरे बैंक को भी करती उसकी लिस्ट डैमेज नहीं। कमाल नहीं है मेरा ये खुदा की रहमती, सवाल पे मेरे तुम्हें आनी चाहिए हंसी। आई तो समझ लूंगा के अपनों में से हो, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता के आने दू कमी में किसी चीज। ये लाइन जेब पे भारी, अब मेरे बैंक को भी करती उसकी लिस्ट डैमेज नहीं। कमाल नहीं है मेरा ये अभी इतना पैसा है कि भाई बैंक को भी लिस्ट डैमेज नहीं करता मैं, कमो में नहीं। अब सब कुछ ला कर देता करता विश मैनेज नहीं। कुछ साल पहले ख्वाहिश थी जेब पे भारी, अब मेरे बैंक को भी करती उसकी लिस्ट डैमेज नहीं। वो ना कुछ साल पहले जेब पे भारी थी ख्वाहिशें, अभी बैंक, अभी मैं लिस्ट बना रहा था फिर भी मेरे बैंक पे इतना डैमेज नहीं करता, कमो में। ऐसे रैपर ऐसे बातें बोलते हैं ना, आई फील पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। क्या भाई रैपर्स कर पा रहे म्यूज़िक के थ्रू, हिप हॉप के थ्रू पैसे कमा पा रहे, थोड़ा बहुत अपने ख्वाब को भी यू नो पूरे कर पा रहे। आई लव दिस थिंग अबाउट हिप हॉप, दैट इज़ व्हाई आई एम अ हिप हॉप फैन, आई एम हिप हॉप हेड, I'm a rap listener man. उसी चीज के लिए हिप हॉप भी डायमंड, कम ऑन। साल पहले ख्वाहिश थी जेब पे भारी, अब मेरे बैंक को भी करती उसकी लिस्ट डैमेज नहीं। कमाल नहीं है मेरा ये खुदा की रहमती, सवाल पे मेरे तुम्हें आनी चाहिए हंसी। ना आई तो समझ लूंगा के अपनों में से हो, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता के आने दू कमी में। अगर बात पे हंसी, अगर उस चीज पे आपको हंसी नहीं आई तो मैं समझ लूंगा अपनों में से ही हो आप, कि भाई ये सब चीजें अगर किसी और के सामने बोलते तो कोई लोग हंस लेते हैं, भाई तू क्या ही कर लेगा बेंच। जब एक्चुअली कर लेते हैं ना तब वो जो फीलिंग आती है ना। आई तो समझ लूंगा के अपनों में से हो, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता के आने दू कमी में किसी चीज में। बोल अगर बची कुछ ही नीड है, बोल खुल के अगर कोई ख्वाहिशात मजीद है, बोल के प्लीज ऐसे पैसे का क्या फायदा कि तिजोरियां तो भर दी पर हालात ही नहीं ठीक है। आवाज ये अजीब, ऐसे पैसे का क्या फायदा इसके भाई, इतनी झोलियां भर दी बट हालात ही ठीक नहीं है। कितनी भी झोलियां भर दो, हालात है तो ठीक करो पहले। कुछ ही नीड है, बोल खुल के अगर कोई ख्वाहिशात मजीद है, बोल खुल के प्लीज ऐसे पैसे का क्या फायदा कि तिजोरियां तो भर दी पर हालात ही नहीं ठीक है। आवाज़ें अजीब उनके कानों में चुभे, शराब चलाए उन्हें वो मैं खानों में झुके, खाने में चुपे इधर हर कोई ही पड़ा घूट मार के, अंदाजा वो लगा रहे कौन है बड़ा। आई एम हियर फॉर यू, मैं खाने में बैठ के पी के घूट, अंदाजा लगा रहे कौन बड़ा का क्या फायदा कि तिजोरियां तो भर दी पर हालात ही नहीं ठीक है। आवाज ये अजीब उनके कानों में चुभे, शराब चलाए उन्हें वो मैं खानों में झुके, तहखाने में चुपे इधर हर कोई ही पड़ा घूट मार के, अंदाजा वो लगा रहे कौन है बड़ा। आई एम हियर फॉर यू एनी डे, रोक मत तू कहने दे, रोक मत ये आंसू बेहतर है के उनको बहने दे। सोचा ना कर मन ही मन, बोलना जरूरी है, राज खोले जा रहे ये शौक या मजबूरी, ऐसे शहर में जिए के चीजें सब सीखे है, पैसे घर पे दिए लगा जैसे जंग जीते हैं।
मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है हाफ, सब कुछ फुल, वो अलग बात है। होटलों पे कट पीते हैं, अबे लक पे नहीं है, छोटे काम बोलता है। भाई क्या बातें बोल रहा है भाई, वो जिस तरह स्पिट भी कर रहा ना, वो आवाज में जो एनर्जी, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस जो साउंड कर रहा ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल शिट है भाई ये। वो एक लाइन बोला भाई ने कि घर में अगर पैसे दिए तो लगता है कि जंग जीते, ये एक लड़का ही समझ सकता है भाई, जो मेहनत करके पैसे कमा के पहली सैलरी जब भी घर पे देता है ना, तो वो जो फीलिंग है ना ब्रो, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ सकते हो आप लोग, रिलेट करते तो प्लीज कमेंट डाउन भाई। बेहतर है के उनको बहने दे, सोचा ना कर मन ही मन, बोलना जरूरी है, रास खोले जा रहे ये शौक या मजबूरी है, शहर में जिए के चीजें सब सीखे हैं, पैसे घर पे दिए लगा जैसे जंग जीते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है हाफ, सब कुछ फुल, वो अलग बात है, होटलों पे कट पीते हैं, अबे लक पे नहीं है, छोटे काम बोलता है, जहाँ कदम चले वहाँ अपनी छाप छोड़ता है। कुछ लोगों ने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोला, उसूलों पे है कला ना कलम, रास खोलता है, जहाँ खाता वहाँ बारे में क्या कुछ नहीं बोला, उसूलों पे है कला ना कलम, रास खोलता है, जहाँ खाता उसूलों पे है कला कलम रास खोलता है। ब्रो बच के रहो भाई, ये क्या लाइन बोला है भाई, क्या लाइन बोला है भाई। सीखे हैं, पैसे घर पे दिए लगा जैसे जंग जीते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है हाफ, सब कुछ फुल, वो अलग बात है, होटलों पे कट पीते हैं, अबे लक पे नहीं है, छोटे काम बोलता है, जहाँ कदम चले वहाँ अपनी छाप छोड़ता है। कुछ लोगों ने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोला, उसूलों पे है कला ना कलम, रास खोलता है, जहाँ खाता वहाँ खून से नहीं हाथ पोछता, इंसानियत का भूखा कैसे जात तोलता, तू बाप के पैसों पे उसके दोस्तों में इतना, तेरे बाप को पता नहीं तू हराम खोर सा, घूस बम जा रहे ब्रो मुझे, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इधर टिमके टिमके आ रहे ले, हाँ इसी से तू बाप के पैसे पोड़ता साले हराम खोर, हाँ खुद का कमा फिर खुद उड़ा, दोस्तों के सामने बाप के पैसे पे छाती चौड़ी मत कर, हाथ पोछता, इंसानियत का भूखा कैसे जात तोलता, तू बाप के पैसों पे उसके दोस्तों में इतना, तेरे बाप को पता नहीं तू हर राम खोरसा, ये राम रोज का मुझे ले रहा था डूब के, आई स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड में रख के अपना मूड, ये धूप बहुत जरूरी, मुझे आलसी नहीं बनना, जो कमाया बांट दिया करी माल की नहीं परवाह कल की फिक्र। भाई ये बोल रहा ना कि वो जो धूप बहुत जरूरी है, मुझे आलसी नहीं बनना, है ना, जब भी आप सोते हो, जब भी आप आंखों के सामने अंधेरा होता है, तो आप ऑटोमेटिकली वो जो मेलाटोनिन रिलीज होता है तो आपको नींद आने लगती है, जब भी धूप आता है तो मेलाटोनिन रिलीज कम हो जाता है, इसलिए आपको नींद नहीं आती, वो आप जगते हो, वैसे वो प्रोसेस होता है जगना सोने का। तो भाई बोलते मुझे धूप चाहिए, मुझे आलसी नहीं होना है। वाओ मैन, ये एक और भाई ट्रैक ऐड हो गया अली मार्के के प्लेलिस्ट में भाई। मैं अलग अलग रैपर्स का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है अपने फोन में, मैं डाउनलोड करता भाई, स्पॉटिफाई पे नहीं सुनता, मैं डाउनलोड करता सीधा। मुझे ले रहा था डूब के, आई स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड में रख के अपना मूड, ये धूप बहुत जरूरी, मुझे आलसी नहीं बनना, जो कमाया बांट दिया करी माल की नहीं परवाह कल की फिक्र क्यों करूं, जब पता है मेरा ही है कल, नहीं यकीन है तो चुप करके देखता रह चल, आर्टिस्ट जितना नहीं कमाते उससे ज्यादा करते फ्लेक्स, पैसा अभी आया मुझ पे पर पहले से थी अकल। ये चीज भाई होती है, दैट्स अ फैक्ट भाई, है ना, रैपर्स अपने गानों में जितना कमाते नहीं उतना ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, एवरीथिंग यू सी इज नॉट ट्रू, एवरीथिंग इज ब्लिंग, एवरीथिंग ब्लिंग्स इज नॉट गोल्ड, समझ लो भाई, सोच लो, दुनिया असली नहीं है। मुझे आलसी नहीं बनना, जो कमाया बांट दिया करी माल की नहीं परवाह कल की फिक्र क्यों करूं, जब पता है मेरा ही है कल, नहीं यकीन है तो चुप करके देखता रह चल, आर्टिस्ट जितना नहीं कमाते उससे ज्यादा करते फ्लेक्स, पैसा अभी आया मुझ पे पर पहले से थी अकल, पैसे को संभाल पैसे से नहीं संभल, पैसा बड़ा जरूरी, पैसे को संभाल पैसे नहीं संभल। ब्रो ये बंदा अलग तरीके से मोटिवेट कर रहा है यार, मेरे को अलग तरीके से मोटिवेट कर, क्योंकि ये सब बोल रहा है ना यार, पता नहीं इसकी आवाज में क्या जादू है, इतना रॉनेस है ना आवाज में, शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि अपना वॉइस भी ऐसी ही है, अपन भी ऐसा चिल्ला के बोलते हैं ना, बट लोगों को लगता है कि अपन चिल्ला रहे हैं, बट नहीं, अमन सच बोल रहा है भाई, भी हाई पिच में बोल रहे हैं, बट हाई पिच में बातें सच निकलती है, लो पिच में भी निकलती है, बट लो पिच में दुख वाली बातें सच निकलती है, दुख से निकलती है, हाई पिच में गुस्से से निकलती है।
दिखता रहे चल आर्टिस्ट जितना नहीं कमाते उससे ज्यादा करते फ्लैक्स पैसा अभी आया मुझ पे पर पहले से थी अकल पैसे को संभाल पैसे से नहीं संभल बड़ा जरूरी उससे ही होते मसले हल पर ये रिश्ते खरीदे नहीं जा सकते कसम खुदा की मेरे पास सब कुछ है पर वो आना ही नहीं चाहती तू बड़ी रियल अपने आप से पसंद नहीं हूँ तुम्हें तो तुम आती भी नहीं जान के फेक नहीं बनती मुँह पे नेक नहीं बनती मेरी सिविक में है मस्ती ओवरटेक बड़ा करती मैं तो हल्का खुद भाई ये कहाँ से कहाँ लेके गए बात क्या मोटिवेशन कर रहे थे भाई बोलते मेरी सिविक बड़ी तेज ओवरटेक करने की मस्ती That is why I love this guy. मैं ऐसे नहीं किसी आर्टिस्ट को सुनता भाई वो आर्टिस्ट में वो बात होनी चाहिए वो बात कनेक्ट करेगी फील करेगी वाइब करेगी ना तब मैं सुनता हूँ और आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग भी वो आर्टिस्ट को ऐसे सुनो उसको फील करो बातों को हर आर्टिस्ट फील नहीं किया जा सकता Man. कि मेरे पास सब कुछ है पर वो आना ही नहीं चाहती आई एम ग्लैड टू सी के तू बड़ी रियल अपने आप से पसंद नहीं हूँ तुम्हें तो तुम आती भी नहीं जान के फेक नहीं बनती मुँह पे नेक नहीं बनती मेरी सिविक में है मस्ती ओवरटेक बड़ा करती मैं तो पैर रखता हल्का खुद ही होता मीटर डाउन शहर में घूमू है बड़ा वाइल्ड मेरा टाउन पेट्रोल का रेट छूरा आसमान कसम से मुझे फर्क नहीं पड़ा मैं कमाने लग गया पाउंड नहीं अनाउंस भाई साहब पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट पता है कितना है आई गेस 186 या 182 है आई गेस या शायद 200 पार हो जाएगा बट भाई को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पाउंड कमा रहे भाई एक पाउंड 100 रुपये के बराबर है पाकिस्तानी रुपए से मुझे पता नहीं कितना है इसलिए भाई बोलते हैं कि भाई हालातों को आपको कंट्रोल मत करने दो हालात आपके कंट्रोल में लाओ हालात से ऊपर उठ के करता गाने बेटा डालने से पहले कुत्ते पालतू से लगे मुझे पालने से पहले कोई सेफ्टी पर्पस नहीं कुत्ते पालतू से लगे मुझे पालने से पहले क्या मान कसम से मुझे फर्क नहीं पड़ा मैं कमाने लग गया पाउंड नहीं अनाउंस करता गाने बेटा डालने से पहले कुत्ते पालतू से लगे मुझे पालने से पहले कोई सेफ्टी पर्पस नहीं पर एक गन खरीदूंगा ताकि मार दूं खुद को किसी की चाटने से पहले यार भाई अपनी जमीर अपना कैरेक्टर नहीं खोना भाई किसी के चार्टर से पहले मैं खुद को मार दूंगा भाई मेरा कैरेक्टर मुझे खोना ही नहीं है भाई वो दिन आएगा ही नहीं भाई आप जितने रियल हो ना अपने आप से वो दिन कभी नहीं आएगा गन खरीदूंगा ताकि मार दूं खुद को किसी की चाटने से पहले या मैन भाई ये गाना भाई ये गाना मेरा फेवरेट बन गया अभी मैन शोल क्या मोटिवेट कर दे ले भाई लाइन गूज बम्स अब भी प्यार है कंटिन्यूस दिस बीट मैन वाओ जिंदगी में कभी पाकिस्तान कभी जाना हुआ मेरा गलती से ना तो मैं ये भाई को जरूर मिल के जाएगा मेरे को मिलना है उसकी एनर्जी फील करना है उसका ऑरा फील करना है कि भाई आप में ऐसी एनर्जी आती कहां से अब ऐसे बातें लिख कैसे पाते हो और आपकी आवाज ऐसे कैसे क्या है आपके आजू बाजू क्या आपका मोटिवेशन है क्या आपका जरिया है सब चीजों का आई शपथ मैंने बंदा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है हिप हॉप इसीलिए भाई डिवाइडेड बाय नेशंस यूनाइटेड बाय कल्चर कल्चर है भाई ये कल्चर ही है जो सारे रिलीजन्स को मिलाती है हिप हॉप ऐसे ही है चाहे वो व्हाइट हो ब्लैक हो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो कुछ भी हो भाई जो आर्टिस्ट का गाना अच्छा लगा उसने जो बातें बोली वो एकदम मस्त सही लगी यहाँ लगा खत्म उसका जात क्या है रिलीजन क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई वो बंदा अपना फेवरेट बन गया वो आर्टिस्ट को अपन सुनेंगे भाई के सारे गाने में बहुत सारे वैसे भी कोटेबल्स होते हैं बट अलग अलग गानों में अलग अलग कोटेबल्स लाते कहाँ से भाई आई डोंट रियली अंडरस्टैंड मैन दिस गाय इज अ जीनियस ना लाइफ की परख उसको बहुत अच्छे से है और भाई खुदा ने तो भाई उनको बख्शा ही है ना ब्लेस की है बख्शा बोल रहा ब्लेस की है इतने अच्छे अल्फाजों से इतनी सीधी सरल अल्फाज है भाई जो है बात के मैटर में सीधा बोल दो घुमा फिरा के बोलना ही नहीं उर्दू में क्या है ना चीजें कुछ थोड़ी अपन को अगर समझ में नहीं आती तो थोड़ी ट्विस्टेड लगती है क्योंकि वो वर्ड्स ही वैसे बट इसमें भाई ने सीधी सरल भाषा में जो जिंदगी के फैक्ट्स और कोटेबल्स है बता दिए भाई फूक दिए स्पिट कर दिए माइक पे जैसे भाई ने स्टार्ट भी किया ना गाने में कि भाई जो मेरे लाइफ में पहले नहीं थी अभी वो है यू नो बैंक बैलेंस ऐसा होगा कि मेरी लिस्ट अभी डैमेज नहीं करती फिर उसके बाद खुदा को वो थैंक यू बोल रहे कि भाई भले आपने हालातें कुछ भी दी हो मैंने अपने मेहनत की है अपना म्यूजिक पुट आउट की है अपने स्किल और टैलेंट से मैं आगे बढ़ाऊँ और अभी मैं उन हालातों के ऊपर हूँ ताकि वो हालत कितनी भी खराब हो मैं अपने आप को संभाल सकूँ और मैं अपने फैमिली को संभाल सकूँ दैट्स अ वेरी गुड थिंग बट दैट्स अ वेरी मैनली थिंग यू कैन डू इट दैट्स अ वेरी मैस्कुलिन थिंग यू नीड टू डू बाकी ये बातों के ऊपर उमेर भाई का प्रोडक्शन चुम्मा अलीम भाई का तो वर्स
द होल सॉन्ग इज अ गोटेड सॉन्ग भाई। ये सॉन्ग मैं बोल सकता अभी जितने जैसे गाने सुनते जाऊंगा ना मुझे हर सॉन्ग गोटेड लगने लगेगा। फारिस शफी और काम वाला जो गाना था पहले नहीं वो भी मुझे बहुत यूनिक सा लगा। अब ये गाना एक अलग मतलब मोटिवेशन वाले पार्ट में अलग से गाना बैठता है भाई। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई ये गाने के बारे में। दिस इज अ लवली मोटिवेशनल सॉन्ग, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला सॉन्ग है। क्योंकि रैपर जब भी बोलते हैं कि जो मेरे हालातें कैसी थी और अब मैं कैसा हूँ सिर्फ मेरे टैलेंट के सिर्फ मेरे गानों की वजह से, तो आपको भी एक अलग से ऐसा मोटिवेट आ जाता है कि भाई ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसा लगता है। लास्ट में इतना बोलूंगा आलिम भाई आपकी बातें मेरे लिटरली दिल को दिमाग को छू जाती है भाई। पता नहीं आपके आवाज में है कि आपके बोलने के तरीके में जैसा भी है जो भी है मैं आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं खुद भी वैसी हूँ। इसलिए भाई आई लव यू, आप ऐसे गाने निकालते रहना। ऑल द बेस्ट भाई, अल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी करे। चलो मैंने आप तो आपको चला गाना प्यारा सुना, चलो तो लाइक कर दे प्यारा से कमेंट के जाए, चलो तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। तो चलो मैं मिलते हैं किसी और, तो खुश रहो मुझे करो। दिस इज अन्ना साइनिंग ऑफ, पीस।